दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम का ऑप्शन शो करता है और यहाँ पर आप लोग रिडीम कोड ले सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, फ्री फायर के लिए डायमंड ले सकते हैं, बीजेएमआई के लिए यूसी ले सकते हैं। भाई साहब आखिर इस ऐप का नाम क्या है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं आपका बताऊंगा डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दूसरे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से आपको इंस्टेंट रिडीम कोड मिलेगा और आप यहाँ से पेटीएम कैश भी ले सकते थे। मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, दिखे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा रिडीम कोड पे 10 रुपये पे और यहाँ पे मुझे एकदम इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगा। भाई साहब मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम लाइव, जल्दी से डबल टैप करके लाइक करो आप लोग अभी का अभी। तो यहाँ पर देखो मुझे इंस्टेंट पेमेंट मिल गया। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि मेरा जो पेमेंट है वो पेमेंट कैसे मैं कन्फर्म करता हूँ, देख सकते हैं पूरा लाइव एकदम करके दिखा रहा हूँ और इसे मैं क्लेम कर लिया। तो भाई साहब बहुत इजी है, इस ऐप का यूज़ करो और मैंने इस ऐप का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया है। मैंने इसके ऊपर बहुत बार और बहुत सारा पेमेंट वाला भी मैंने वीडियो बना दिया, मैंने यहाँ पे कितनी बार पेमेंट लिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है इस ऐप का, जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लेना। मेरा रेफर कोड आप लोग यूज़ करना, देखो मैंने इतनी बार यहाँ पर पेमेंट लिया, इस ऐप का यूज़ करो आपको पक्का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यार ये ऐप मेरे टीम ने बनाया है। इस ऐप का नाम है डायमंड वाला, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डीपी में आपको दिखा देता हूँ, डीपी कुछ ऐसा है। तो डायमंड वाला ऐप जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लीजिए और मैंने इस ऐप का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है और मेरा रेफर कोड आप लोग यूज जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करो, लाइक करो, कमेंट करना कि आप कौन सा गेम खेलते हैं। चलिए मैं जितना जल्दी हो सके इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस शो करता है और यहाँ पर आपको अपना गूगल आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, और मेरे लैपटॉप में देखिए यहाँ पर 3 लकीर बना हुआ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कुछ ऐसा इंटरफेस शो करता है, यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और ये होम पेज, और मेरे राइट टॉप पे देखिए टेलीग्राम का ऑप्शन शो करता है और उसके बाद यहाँ पर कॉइन का ऑप्शन है। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 104 कॉइन मौजूद है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रेटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग 5 स्टार का रेटिंग दो और ज्वाइन टेलीग्राम का भी ऑप्शन शो करता है। और यहाँ पर देखिए शो करता है डेली बोनस, डेली बोनस क्या, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद एड भी आने का चांस है। आज अभी यहाँ पर एक छोटा सा एड आया था, मैंने उसे कट कर दिया है और मेरे पास यहाँ पर देखिए 104 कॉइन था, अब मुझे यहाँ पर 114 कॉइन मेरे पास हो गया है। तो आपको यहाँ पर डेली 10 कॉइन मिलेगा डेली बोनस से। ओके, और उसके बाद देखिए शो करता कूपन कोड, आखिर ये कूपन कोड क्या है। तो यार जल्दी से इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो करता है। तो यहाँ पर आपको प्रोमो कोड डालना पड़ेगा, प्रोमो कोड और कूपन कोड एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पर कूपन कोड कहाँ से मिलेगा, मतलब प्रोमो कोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देखिए शो करता है ज्वाइन टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट कोड। तो ज्वाइन आपको करना पड़ेगा उसके टेलीग्राम चैनल पर, और जैसे आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो यार आपको यहाँ पर एक कोड मिलेगा, आपको वहाँ पर कोड मांगना पड़ेगा। ओके, और आप लोग अभी तक मुझे यार फॉलो नहीं किए इंस्टा पर, तो जितना जल्दी हो सके फॉलो कर लो। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मेरा फेसबुक का पेज भी है, आप लोग मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाइए, देखे वहाँ पर शो करेगा टेलीग्राम फेसबुक और वहाँ पर शो करेगा यार इंस्टाग्राम भी, तो आप लोग फॉलो कर लेना। टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैं टेलीग्राम पे ऑन नहीं हूँ, तो मुझे यार आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर लेना और फेसबुक का जो पेज है उसे भी फॉलो कर लेना। ओके, तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया आपको उसी तरीके से कोड मिल जाएगा। चलिए बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या एप्पल कट, ये क्या भाई साहब, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कल मैं ये गेम खेल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ईजी यार, मतलब इतना ईजी गेम कैसे हो सकता है। तो आपको क्या करना, कट नाव का ऑप्शन शो करता है एप्पल के नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है। बट अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर ना लॉक हो गया है, तो यहाँ पर अगर जैसे मैं कट नाव पे क्लिक करता हूँ देखिए कुछ इस तरीके से कट हो जाता है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कैसे कट हुआ, आपको सिंपली से उस पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे कितना 114 था और मुझे यहाँ पर 22 हो गया है, तो समझ गए ना, करीब 8 के आसपास या 6 के आसपास मुझे मिला। देखिए बहुत ईजी है, बहुत अच्छा लगेगा और एक छोटा सा एड आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे पास 132 कॉइन हो गया है और फिर से आप लोग यहाँ पर मतलब ये कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एप्पल कोड। अभी भी मैं 10 बार यहाँ पर कट कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर बहुत बार इस एप्पल को कट कर दिया है और कट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास अभी देख सकते हैं 186 कॉइन हो गया। ओके, और अब के यहाँ पर शो करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कट नाउ पे क्लिक करूँगा, मतलब मैंने बहुत सारा यहाँ पर एप्पल को कट किया, करीब 6 या 7 बार या 8 बार मैंने कर दिया है और यहाँ पर 4 बार अभी भी बाकी है मैं कर सकता हूँ। तो कट नाउ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखोगे यहाँ पर कुछ अलग इंटरफेस शो करेगा।
और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक इम्पोर्टेंट टास्क यहाँ पर देखिए बताया गया कि ओके वाले बटन पे क्लिक करो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक ऐड आएगा, उस ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद एक ऐप आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको 30 सेकंड तक उस ऐप के अंदर रहना है, तो ऐसे में आपका जो टास्क है वो कम्प्लीट होगा। यार ये कौन सा तरीका हुआ, यहाँ पर दिया कुछ और टास्क, फिर उसके बाद कुछ और टास्क आ जाता है। कोई बात नहीं, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये ऐड आया। ओके लड़की मत देखो यार, इस ऐड को देखो आप लोग। यार मैं जल्दी से कट करता हूँ आप लोग, यार लड़की देखने का चक्कर में है तो चलिए क्लोज कर देते। जो ऐड आया था उस ऐड पर अगर मैं जैसे क्लिक करता तो प्ले स्टोर ओपन हो जाता और मुझे उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद मुझे उस ऐप के अंदर 30 सेकंड रहना पड़ेगा, लेकिन यार मैं नहीं रहूँगा, चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी बताया गया कि यार 30 जो शो कर रहा है, मैं फिर से एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं इस बार क्या आने वाला है, देख लेते हैं। ये बहुत ही छोटा ऐड आया है, मैं इसे कट कर देता हूँ। ओके चलिए कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे कॉइन नहीं मिला, लेकिन कॉइन मिल गया यहाँ पर। यार ये कौन सा तरीका हुआ, तो देखिए मेरे पास 206 रुपया हो गया। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, 6 रुपये ने 206 कॉइन। यार बाइक निकल जाओ। उसके बाद देखिए शो करता है स्क्रैच कार्ड, स्क्रैच कार्ड क्या, इस पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली से स्क्रैच करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे स्क्रैच करने पे 10 पॉइंट मिल गया, 216 हो गया। चले बाहर निकलते हैं, अभी मैं बैक भी नहीं कर पाऊंगा जब तक ये टाइम जो ख़त्म नहीं होने वाला, मैं बैक भी नहीं कर पाऊंगा। आप बैक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए शो करता है इन्वाइट फ्रेंड, ये क्या है? मतलब रेफर का ऑप्शन। तो गाइस यहाँ से आप लोग अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आप कितना रेफर कर रहे हो वो भी शो करेगा, और कितना सक्सेसफुल हो गया रेफर वो भी शो करेगा। और यहाँ से आप लोग मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सब कुछ शो कर रहा है। ओके तो यहाँ से आप लोग अपने दोस्तों को इनवाइट करो, इनवाइट करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो 3 टास्क दिया हुआ है इसे आप लोग फॉलो करोगे तो आपको 500 कॉइन मिलेगा एक बंदे के पीछे। तो मेरा रेफर कोड आप लोग यूज़ करना, मैं अपना रेफर कोड डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दूंगा। और एक बात, ये ऐप एकदम न्यू है, देखना ये है कि मुझे पेमेंट मिलता है या नहीं। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखिए रिडीम वाला ऑप्शन शो करता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो भाई साहब ऐड आने का चांस है। तो यहाँ पर देखिए शो करता है 200 रुपये, मतलब 200 कॉइन अगर होता मेरे पास तो यहाँ पर मैं 2 रुपये ले सकता हूँ। 500 कॉइन होता तो 5 रुपये पेटीएम में ले सकता हूँ, 10 का रिडीम कोड ले सकता हूँ, 20 का गूगल पे गिफ्ट कार्ड ले सकता हूँ, 25 का UPI के थ्रू पेमेंट। और यहाँ पर मैं 8000 कॉइन अगर होता है तो 100 डायमंड ले सकता हूँ, और 7500 कॉइन होता है तो मैं 60 UC ले सकता हूँ। ओके तो चलिए यहाँ से भी बाहर निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम का ऑप्शन शो करता है, और यहाँ पर रेटिंग अस, तो मैं फिर से रिडीम कोड पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर चले मेरे पास तो 216 कॉइन हो ही गया है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट के लिए अप्लाई करता हूँ। ओके गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 216 कॉइन यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर 2 रुपये के लिए मुझे 200 कॉइन देना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 2 कॉइन मतलब 2 रुपये पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके देखते हैं मुझे पेटीएम कैश मिलता है या नहीं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब फिर हैक हो गया, क्या शो कर रहा है यार, अब फिर हैक हो गया ऐप, ये कौन सा बात हुआ यार, अब फिर हैक हो गया ऐप, यार ये तो गलत बात है। तो गाइस यहाँ पर देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्या शो करता है, अब फिर हैक हो गया है ऐप। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो शो कर रहा है मेरे ख्याल से ये ऐप डेवलपर ने खुद से लिखा है। ओके अगर जिस समझ लो आपका आपका कोई चीज़ यहाँ पर खो गया, ओके आपका कोई चीज़ यहाँ पर खो गया और वो मेरे पास है, और अब मैं क्या सबको बताऊँगा कि उसका चीज़ मेरे पास है, उसका चीज़ मेरे पास है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऐप डेवलपर है वो खुद से यहाँ पर अपना ऐप को यहाँ पर बता रहा कि हैक हो गया, लेकिन यहाँ पर हैक नहीं हुआ, ये पेमेंट देना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि भाई इस ऐप को यूज़ करते रहे सभी लोग और यहाँ पर मुझे पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर मतलब उसने अपना जो ऐप है उसके एल्गोरिदम पे सेट कर दिया है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर शो करेगा अब फिर हैक हो गया है ऐप, ऐसा शो करेगा, ऐसा शो करने लगेगा। तो यार सभी लोग भी जितना मैंने ऐड देखा है इस ऐप में, अभी मैंने जितना ऐड देखा है भाई साहब इस ऐप डेवलपर ने तो इनकम कर लिया, लेकिन मुझे क्या मिला, घुइया। तो यहाँ से क्या साबित होता है भाई साहब, ये ऐप आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा कहानी, मतलब बताया जा रहा कि ये हैक हो गया, लेकिन कुछ भी हैक नहीं हुआ, समझे ना, इतना आसान नहीं है हैक करना, ये बात याद रखना।
हैक भी हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि अब फिर हैक हो गया है, ऐसा कभी नहीं आएगा। क्योंकि जिसने हैक किया यार वो ऐसा डालेगा ही नहीं, ये बात याद रखना। जिसने चोरी की वो कहेगा कि मैंने चोरी की है, तो जिसने यहाँ पर हैक किया वो कहेगा कि अब हैक हो गया है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो चले जाते हैं प्ले स्टोर पर, जाकर यहाँ पर जाँच पड़ताल करते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ प्ले स्टोर पर और इस ऐप का नाम है एक्स फायर, ओके। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नाम पूरा, अर्न कैश एंड रिडीम कोड अर्न, और यहाँ पर एक्स फायर नाम है। डीपी मैं आपको दिखाता हूँ, डीपी यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ऐप एकदम न्यू है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस ऐप के अबाउट सेक्शन पे जाके, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाने के बाद देखिए यहाँ पर शो करता है रिलीज ऑन 28 जुलाई 2023, मतलब इस ऐप को प्ले स्टोर में आए हुए 28 तारीख को यहाँ पर, मतलब 28 जुलाई को आया है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आज का डेट क्या है भाई साहब, 4 अगस्त, जब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ओके। तो कितना टाइम यहाँ पर फ़र्क है आप खुद दिमाग लगाओ, जुलाई अगस्त, तो 28 को आया है, 29, 30, 31, 3 दिन इधर हो गया, करीब अभी यहाँ पर 1 हफ्ता का टाइम हुआ है इस ऐप को प्ले स्टोर में आया हुआ, ओके। और 1 हफ्ते के अंदर ये ऐप हैक हो जाता है, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्टार रेटिंग की बात करें तो 4.3 का स्टार रेटिंग है, 74 बंदे अपना रिव्यू देते हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। इमेजेस की बात करें तो कुछ ऐसे इमेजेस यहाँ पर शो करता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रिव्यू जाके, चलिए रिव्यू पे जाके क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल चेक करते हैं मामला क्या है, तब जाके सब कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ऐप एकदम चीटिंग करता है और उसका जो कॉइन था वो पूरा माइनस हो गया है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है तुम लोग ऐप बनाया ही ना करो जब तुम्हारा ऐप हैक हो जाता है, वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बताया गया हैक हो जाता है, 1 हफ्ता टाइम लगा यार अबे, और ये ऐप हैक हो गया, मेरे टीम वाले ने बनाया था, बनाया है अभी देख लीजिए, मैक्स मनी है, डायमंड वाला ऐप है और रॉयल पास अर्न यूसी फॉर BGMI बोलोमीटर ऐप है। तो अभी तक उन लोगों का जो मेरे टीम का ऐप है वो मतलब हैक क्यों नहीं हुआ। तो ये ऐप डेवलपर झूठ बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसका जो ये है क्या कहा जाता है ये जो ऐप है वो भाई साहब हैक हो गया, लेकिन हैक नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है, ये पेमेंट देना नहीं चाहता, ये चाहता कि आप लोग फ्री में इस ऐप को यूज़ करो और ऐड देखो, मगर मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ओके। तो यहाँ पर और भी देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखा बताया जा रहा है कि यहाँ पर विड्रो नहीं हो रहा, हैक हो गया शो कर रहा है, विड्रो करने के लिए जैसे जा रहा है मतलब रिडीम करने के लिए, और यहाँ पर बहुत लंबा लंबा ऐड आ रहा है, इस ऐड को या छोटा करो। चलिए 1 स्टार चेक करते हैं, 1 स्टार पे देखिए यहाँ पे बताया गया कि 200 कॉइन हो गया बट यहाँ पर पेमेंट नहीं मिला है। और देख लेते हैं, और देखते ये भी बता रहा है कि बकवास ऐप है, और देख लेते हैं भाई साहब सभी का मूड ख़राब है यार, सबका मूड ख़राब है। 5 स्टार की बात करते सभी लोग तो खुश हो जाएंगे यहाँ पर स्टार रेटिंग देख के, लेकिन यार ये सारा स्टार रेटिंग फेक है, बाहर निकलते मैं आपको पूरा फंडा बताता हूँ। गाइज यहाँ से समझ में क्या आता है कि ये ऐप टोटल फेक है और ये ऐप डेवलपर स्कैमर है, यहाँ से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर कोई भी ऐप हैक नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। अगर हैक हो भी जाता है तो यार उसके पास तो नहीं है ना, वो कैसे कहेगा यहाँ पर जैसे मैं पेमेंट के लिए अप्लाई करता हूँ वहाँ पर क्या शो कर रहा है फिर से हैक हो गया है ऐप, ये कौन सा तरीका हुआ है यार। अगर जिसने हैक किया है वो मतलब वो वहाँ पर शो कराएगा कि यार ये ऐप हैक हो गया है, कभी नहीं बताएगा कि ये ऐप हैक हो गया है। अगर मैं चोरी करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने चोरी किया है, नहीं बोलूँगा यार। तो सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर इस ऐप को हैक किया जाता है तो जिसने हैक किया है वो तो भाई वहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे वहाँ पर शो नहीं कराएगा कि ये ऐप हैक हो गया है, ऐसा तो शो नहीं कराएगा, वो चाहे तो वैसे शो करा सकते। जैसे मैं पेमेंट के लिए अप्लाई करता हूँ मेरा पेमेंट पेंडिंग पर रहता, और यार मेरा पेमेंट पेंडिंग में ही रहता, मतलब 48 घंटे, 1 महीना 2 महीना पेंडिंग में रहता, मुझे पेमेंट मिलता ही नहीं, एनी टाइम पेंडिंग शो करता, ऐसा शो कराता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये ऐप आपसे झूठ बोल रहा है, स्कैम कर रहा है। तो गाइस दी ऐप एनालिसिस ने आपके सामने इस ऐप को पूरा एनालाइज कर दिया, पूरा रिव्यू कर दिया। मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आपको भाई देखना ही पड़ेगा। तो ये ऐप टोटल फेक है, स्कैम है, आपको समझना पड़ेगा। 1 हफ्ते के अंदर इस ऐप को यहाँ पर हैक हो जाता है, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, बट ऐप एनालिसिस कहता है कि ये ऐप टोटल फेक है, स्कैम है और आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप करो, क्योंकि आपका मोबाइल है, आपका टाइम है और आप
आपको ही यहाँ पर एड देखना पड़ेगा और आपको पेमेंट मिलेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा लाइव करके दिखा दिया है। और दूसरे यूट्यूबर लोग यहाँ पर आपको बताएंगे बहुत कुछ ऐसा है वैसा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो यार ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, लड़की देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करो, कमेंट करना कि आप कौन सा गेम खेलते हैं, या लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं कर रहे यार, रश्मिका मंदना को देख रहे हैं आप लोग। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है थोड़ी देर रुक जाता हूँ, देख लो जल्दी से, ठीक हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।